हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, या इसको सिंपली सीआईईटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी की ही एक बॉडी है जो कि डील करती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। मतलब है तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ही ये है एनसीईआरटी की। तो ये एक सिलेबस का पार्ट है, या हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से हैं, हमने बीएड एमएड करी है, तो हमें पता होना चाहिए कि सीआईटी क्या क्या काम करती है। और जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन में सिलेबस में भी है। तो सीआईटी जो भी करती है, सीआईटी के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सीआईटी के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं हूं अनिल कश्यप, आप मुझे सब जानते ही होंगे अगर आप चैनल से जुड़े हैं। तो जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जेनेसिस, मेजर फंक्शंस ऑफ सीआईटी क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, और इसकी वेबसाइट को चेक करेंगे लास्ट में। ठीक है, वेबसाइट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो यूजीसी है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो हमें ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव कई बार होते हैं इसमें, वो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, राइट? तो आप जब वेबसाइट चेक करोगे तो आपको वैसे ही काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाने में मदद मिलेगी। और जब आप एनसीईआरटी का पेपर, सॉरी यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ कुछ वेबसाइट्स चेक जरूर करके जाओ। मतलब अच्छे से उसको चेकआउट कर लो कि उसमें कौन कौन से टैब्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या इवन सीआईटी की वेबसाइट, या जो भी क्या कहते हैं नैक की वेबसाइट, ठीक है? तो इन सभी के बारे में अच्छे से देख लेना वेबसाइट पे जाके। वीडियो अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये है सीआईटी का लोगो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं जेनेसिस। तो सीआईटी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। सीआईटी एस्टेब्लिश कैसे हुई? तो दो इंस्टीट्यूट थे, उनको आपस में मर्ज किया गया। कब मर्ज किया गया? 1984 में मर्जर हुआ। किसका किसका? सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1973 में, एंड डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स 1959 में। तो इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया सीआईईटी। चीफ एम क्या है, या इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सीआईटी का मेन एम या चीफ एम है टू प्रमोट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, चाहे वो मास मीडिया हो, चाहे वो कॉम्बिनेशंस हो, उनकी मदद से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा एनहेंस करना, और ओवरऑल एजुकेशनल जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करना स्कूल लेवल पे, राइट? इवन स्कूल लेवल पे, और इवन डिफरेंट जो भी लेवल्स हैं एजुकेशन के, उसमें भी सीआईटी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन स्कूल लेवल पे ज़्यादा काम करती है सीआईटी। देन सीआईटी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, तो सीआईटी एक ऑटोनोमस यूनिट है, और इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम होता है अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें। तो मेजर फंक्शंस क्या हैं सीआईटी एनसीईआरटी के? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, एक्सटेंशन एंड डिसेमिनेशन फंक्शन भी है। मतलब ये जो भी रिसर्च कंडक्ट करती है ना, उसको थ्रू जर्नल्स, इनका एक जर्नल भी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करती है ना? सपोज आपने कुछ काम किया तो दूसरों को पता तो चलना चाहिए। तो सीआईटी जो भी रिसर्च करती है, रिसर्च कंडक्ट करती है, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो दूसरों तक भी उसको ट्रांसफर करती है, राइट? तो ये कुछ दो चीजें दी हैं, बाकी और भी हैं। तो क्या करती है? टू डिजाइन, डेवलप,
ट्राई आउट डिसेमिनेट अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम्स टू अचीव द नेशनल गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू एड्रेस वेरियस एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एट माइक्रो मेजर एंड मैक्रो लेवल पे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने में, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हों, मेजो लेवल पे हों, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हों। ठीक है, मतलब बेस से लेके अपर लेवल तक सीआईटी काम करती है रिलेटेड टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये डिफरेंट एरियाज हैं जिन पे सीआईटी काम करती है। पहला है टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस मीडिया सॉफ्टवेयर मटेरियल्स, चाहे वो टेलीविजन रेडियोग्राफिक्स हों या अलग अलग प्रोग्राम्स हों, चाहे वो करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड, सभी कुछ सीआईटी बनाती है। देन टू क्रिएट कॉम्पिटेंसीज इन डेवलपमेंट, है ना, अगर वो बना दिया है तो उसको यूज करने के लिए जो भी कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी कौशल चाहिए इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए, उसको भी एनहेंस करती है ताकि वो टीचर्स यूज कर सकें, स्टूडेंट यूज कर सकें, पेरेंट्स यूज कर सकें। ठीक है, सो स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, मीडिया प्रोडक्शन, मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया रिसर्च, टेक्निकल ऑपरेशन, सेटिंग अप स्टूडियोज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये सब कुछ सीआईटी का एरिया ऑफ एक्टिविटीज है। ठीक है, टू डेवलप प्लान्स फॉर यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है, प्लानिंग भी करती है कि किस तरह से किस लेवल पे आईसीटी का यूज हो सकता है शिक्षा में। फैकल्टीज को भी ट्रेन करती है, जो भी एडवांस स्टडी के सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। देन रिसर्च कंडक्ट करती है, इवेलुएट करती है, मॉनिटरिंग करती है जो भी ऑलरेडी सिस्टम्स हैं या उनको कैसे एनहेंस करता है। देन टू डॉक्यूमेंट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने पहले बताया, रिसर्च करते हैं तो उसको दूसरों तक पहुंचाना भी होता है, तो सीआईटी वो भी करती है ताकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को शिक्षा में और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। देन टू एडवाइज एंड कोऑर्डिनेट द एकेडमिक एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स, जो भी एससीईआरटी है या एसआईईटीज है, मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं, उनको भी टाइम टू टाइम एडवाइस करती है और उनसे भी कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, तो ये कुछ एम्स थे। देन मेजर फंक्शंस ऑफ सीआईटी, ये इनकी वेबसाइट पे दे रखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। डिजाइन डेवलप एंड डिसेमिनेट अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, प्रोमोट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ट्रेन पर्सनल इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी ट्रेन करना ताकि वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। देन वही एडवाइस एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ एसआईईटीज, देन प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड मीडिया सपोर्ट टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको भी सपोर्ट करती है सीआईटी रिलेटेड टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन विजन क्या है, ये विजन इनकी वेबसाइट पे ही तो हमें ऐसे का ऐसा ये पढ़ना पड़ेगा। तो इनका विजन क्या है कि ये एक नेशनल पायनियर बने, है ना, इस फील्ड में जो सबसे पहले काम करता है तो वो बने और लीडर बने, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो भी डिफरेंट या वेरियस एस्पेक्ट हैं प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के एंड एडवांसमेंट, जिससे कि एजुकेशनल कम्युनिकेशन और अच्छा हो, टेक्नोलॉजी और अच्छी हो, थ्योरी और अच्छी हो, रिसर्च और ज़्यादा अच्छी हो, उनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो, कोड ऑफ एथिक्स, मतलब जो भी कंटेंट बनाए उसमें एथिक्स भी हो, मॉरेलिटी भी हो, है ना, वैल्यूज हो, मतलब उसमें तो वो सब चीज़ें भी हो। देन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस बाय यूटिलाइजिंग द इनोवेशन रिसर्च कंबाइंड विद डिजाइन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग द रिसोर्स सेंटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशनल मीडिया सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पेडागॉजी। तो ये इनका विजन है कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहे, एजुकेशनल कम्युनिकेशन अच्छे से हो, थ्योरी में काम करें, रिसर्च पे काम करें, उसकी प्रैक्टिस में काम करें, कोड ऑफ एथिक्स अच्छे हो, डिजाइनिंग अच्छे से हो, उनकी बिल्डिंग और मैनेजमेंट अच्छे से हो। ठीक है, किसका, मीडिया सॉफ्टवेयर का, और टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करना है,
उसका भी, तो इनका विजन है, ये पता होना चाहिए आपको। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाता है ये सब। मिशन क्या है ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक मतलब एक नोडल रिसोर्स सेंटर की तरह काम करे स्कूल एजुकेशन से, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो, या इंटरनेशनल सोर्स फॉर रेफरेंस एंड रिसर्च के तौर पे भी काम करे ये। देन एक्सीलेंस हासिल करे किसमें, डिजाइन में, R&D में और प्रोडक्शन में, जो भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। और ये सॉफ्टवेयर किसके लिए हैं, चिल्ड्रंस के लिए, टीचर्स के लिए एंड ऑल्सो पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा में। देन टीचर एजुकेशन जो भी हो रहा है ना, उसमें भी टेक्नोलॉजी को यूज करें। देन टीचर्स में कैपेसिटीज लाए, है ना, कौशल लाए, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है नो डाउट, लेकिन जब तक हमें उसे यूज नहीं करना आता ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहती हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती रहती हैं, तो प्लीज आप इनकी वर्कशॉप्स को अटेंड किया करो। 10 to 20 days में कोई ना कोई वर्कशॉप इनकी चलती रहती है। अभी मैं जब वेबसाइट चेकआउट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देन जो भी एजुकेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में, है ना, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देती हैं कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, इन इन चीज़ों में और ज़्यादा हम R&D कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ, ये इनका मतलब मिशन है। तो यहाँ पे ये मतलब जो भी PPT में बताना था वो तो खत्म हो गया, अब इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये है CIT का होम पेज, ये इसकी वेबसाइट है cit.ncert.gov.in। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, होम, अबाउट, डिपार्टमेंट, इनिशिएटिव्स, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज एंड मोर। तो डिपार्टमेंट्स में इनके 4 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ICT एंड ट्रेनिंग, मीडिया प्रोडक्शन यूनिट, प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, इंजीनियरिंग डिवीजन। तो नाम से ही काफी क्लियर है कि क्या क्या काम होता है यहाँ पे। देन इनिशिएटिव्स की बात करें तो ये इनिशिएटिव्स अलग अलग हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे चलते हैं। तो PME विद्या, जो कि डिजिटल फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है, ई पाठशाला, वो भी CIT के जरिए ही हुआ है, दीक्षा प्लेटफॉर्म है जिसमें कंटेंट है। देन MOOCs ऑन स्वयं, ठीक है, स्वयं पे जो भी MOOCs हैं वो भी यही हैंडल करता है। देन निष्ठा है, निष्ठा बेसिकली क्या है, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ये प्रोग्राम था। देन NCF टेक प्लेटफॉर्म, तो इसमें NCF के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे चेकआउट, यहाँ पे क्लिक करके ना इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, सपोज PM ई विद्या, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो PM ई विद्या की वेबसाइट खुल जाएगी, राइट। चलो देन नेक्स्ट आ गए थे NCF टेक ICT करिकुलम, तो ये क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, है ना। तो इसमें सबको दे रखा है कि करिकुला क्या है, करिकुलम फॉर टीचर्स क्या है, करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स क्या है, और जो भी वर्कशॉप्स होती रहती हैं उसके बारे में भी है। देन एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल करिकुलम, तो इसमें क्या है ना, किस तरह से शिक्षा को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, तो उसके बारे में है। ई पाठशाला, बरखा, बरखा में आई थिंक स्टोरीज हैं इसमें, बहुत इजी फॉर्मेट में, और उसमें साइन लैंग्वेजेस का यूज किया गया है उसमें। आई थिंक इसमें ब्रेल में भी कुछ रिटर्न मटेरियल है या ऐसा कुछ है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, ओके। देन ये देख सकते हो कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस इन इंडियन साइन लैंग्वेज, आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इंडियन साइन लैंग्वेज में, ठीक है। देन एक्सेसिबिलिटी कंसर्न इन NCERT बुक्स, कि जो भी कंसर्न्स हैं NCERT बुक्स में उनपे काम, उनके बारे में बताया गया है कि उनपे और ज़्यादा काम किया जा सके। ऑडियो बुक्स हैं, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो देख सकते हैं, या जो हेयरिंग इम्पेयर्ड भी हैं तो वो हेडफोन लगा के और ज़्यादा अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। प्रिया द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर, ये आई थिंक कॉमिक है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है ना। इसको भी डिफरेंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो कि एक्सेसिबिलिटी का
इंक्लूसिवनेस का भी ध्यान रखा गया है और ये सारी चीजें कौन देखता है? सीआईटी देखती है। देन भाषा संगम, ये तो लैंग्वेज पे था आई थिंक। देन टीचर सपोर्ट मटेरियल ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसके बारे में भी यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन सी चीजें हैं। प्राइमरी स्टेज पे क्लिक करोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, है ना। काफी अच्छी चीजें हैं। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। और इवन जो कुछ पॉलिसीज में है, जो भी ये पीडीएफ है, इनमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो और अगर आपको पढ़ना ही है ना, तो ये सब चीजें आप चेकआउट करते रहा करो, आपकी नॉलेज भी एनहेंस होगी, है ना। आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बारे में भी पता चलेगा। तो ये सारे जो भी स्टेजेस है ना एजुकेशन के, सबके बारे में अलग अलग ये पीडीएफ है, अलग अलग बुक्स हैं, गाइडलाइंस हैं, या जो भी कह सकते हो आप रिसोर्स मटेरियल है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बीइंग ए टीचर। अगर आप टीचर हो तो ये बहुत हेल्पफुल है। देन कहाँ थे, पीएम विद्या दीक्षा, ये सब वही है। ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो है ना, ये फोन पे ट्राई आउट होता है। टैक्टाइल मैप बुक, तो ये है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं। तो इसमें क्या है, 25 मैप्स एंड डायग्राम है, ब्रेल एंड इंग्लिश टेक्स्ट फॉर एनकरेजिंग कोलेबरेटिव लर्निंग, ऑडियो मैप बुक्स इन डीजी फॉर्मेट। डीजी फॉर्मेट आई थिंक होता है जो स्पीक आउट करता है, स्क्रीन रीडिंग करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। टैक्टाइल ऑडियो, ऑडियो सुन के सीख सकते हैं। तो इसमें इंक्लूसिवनेस के बारे में है ना। काफ़ी मटेरियल है और ये सब किसने बनाया है, सीआईटी ने बनाया है। देन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में डिफरेंट चीजें हैं। और जो मैं आपको बताना चाहता था, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग, इसमें क्या होता रहता है, 10 दिन के डिफरेंस में या 20 डेज में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वर्कशॉप चलती रहती है। तो ये वर्कशॉप होने वाली है, आज से स्टार्ट होगी। इस पे क्लिक करोगे आप तो इसमें सारा दिया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट वीडियो रिसोर्स, कि 16 को ये स्टार्ट होगा। वीडियो रिसोर्सेज, पॉलिसी परस्पेक्टिव, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट एंड स्कोप। 17th अक्टूबर को प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वीडियो रिसोर्स, 18th को स्क्रिप्ट राइटिंग, 19th को रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग ऑफ वीडियो रिसोर्सेज, 20 अक्टूबर को इवेल्युएशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वीडियो रिसोर्सेज। तो अगर आपको सीखना है तो इनकी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, ठीक है। तो कौन कौन क्या क्या बताएगा, सबके बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से, ये ना, हाउ टू पार्टिसिपेट, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, तभी कर सकते हो। अगर आपको बस सीखना ही है ना, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अच्छा मैंने ऑलरेडी कर रखा है क्योंकि इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसमें आप अपने डिटेल्स भरना और आप इसको, मतलब आप रजिस्टर हो जाओगे। और बताता हूँ मैं क्या होता है इसमें। क्या होता है ना, जब ये 20 तारीख को ख़त्म होगा तो एक पोस्ट सेशन क्विज ओपन हो जाएगा। तो उस क्विज में 70 या 70 से अबोव मार्क्स आएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है। और आप उसको अपने सीवी में लगा सकते हो कि आई हैव डन दिस दिस, तो उसका बेनिफिट है ना। और आपको सीखने को भी मिलता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटीज आती हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, या जिस भी फील्ड में वर्कशॉप हो रही है उसमें बहुत, मतलब अपने फील्ड के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स आते हैं, है ना, हेड होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, तो काफ़ी अच्छा ये है। और यहाँ पे देखो आप, ये सारी चीजें, ये इन पे वर्कशॉप्स हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप अभी भी इनको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सपोज ब्लेंडेड लर्निंग पे जाएं तो यहाँ पे देखो, ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है तो यहाँ पे आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। इवन प्रेजेंटेशंस को भी आप चेकआउट कर सकते हो, चाहे डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो सीखने के लिए बहुत अच्छा है।
चलो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को अलग से एक्सेस कर लेते हैं। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ आईसीटी एंड ट्रेनिंग, देन है मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन। तो ऑडियो प्रोडक्शन एंड वीडियो प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। देन जाते हैं प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, और मैं जो बता रहा था आपको, इनका एक जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं IJET। इसमें क्या पब्लिश होता है? इसमें पब्लिश होता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इनका खुद का न्यूज़लेटर है, ICT मेला लगता रहता है, PM ई विद्या सेल है, CIT की लाइब्रेरी है, चेकआउट कर लेते हैं, टाइम ही टाइम है हमारे पास। डॉक्यूमेंट्री मटेरियल, नॉन डॉक्यूमेंट्री मटेरियल, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जर्नल्स। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आई थिंक, हाँ आप सोचो, आजकल कोई अगर कहे कि मेरे पास कंटेंट नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है ना। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बस आप पढ़ने वाले बनो। तो सब्सक्राइब पब्लिकेशंस हैं, बाल भारती, कारवां, चंपक, चिल्ड्रंस वर्ल्ड, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, डिजिट, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फ्रंट लाइन। तो ये सभी चीज़ें हैं। देन NCERT की पब्लिकेशंस हैं, है ना, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड रिसर्च, प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस। तो आप जिस भी फील्ड में हो, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेकआउट कर सकते हो, राइट। देन एक्सपोजर, विजिट्स एंड इंटर्नशिप। तो अगर आप बीएड में हो, एमएड में हो, एमफिल में हो, बीटेक, मतलब जिस भी फील्ड में हो, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो तब भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इनकी गैलरी है। देन होम पेज पे अगर हम नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे है एक इंजीनियरिंग डिवीजन। ये CIT का कॉन्स्टिट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ ICT एंड ट्रेनिंग, मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन, प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, इंजीनियरिंग डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स। तो अगर हम इंजीनियरिंग डिवीजन पे आएंगे तो यहाँ पे देखो, टेलीविजन स्टूडियोज है ना, इनके खुद के स्टूडियोज हैं, ये दिल्ली में है। ये साउंड स्टूडियो है, जो भी रेडियो प्रोग्राम्स बनते हैं या जिनमें केवल वॉइस, जैसे भी मैंने अभी दिखाया था आपको, जो कि विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए था या इंडिविजुअल के लिए था, तो उसमें ऑडियो स्टूडियोज का यूज होता है, साउंड स्टूडियोज का यूज होता है। ये है इनका लाइव स्टूडियो। तो अगर आपने कोई भी वर्कशॉप देखी हो इनकी, तो उसमें यही स्टूडियो यूज होता है। देन विद्या समीक्षा केंद्र, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं। देन एक्सपीरियंसल लर्निंग सेंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से टीचर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है ना, इन्होंने क्या कहते हैं इसको, VR गॉगल्स पहन रखे हैं ना। देन पोस्ट प्रोडक्शनल प्रोडक्शन फैसिलिटी में क्या है कि इन्होंने बताया कि इनके पास iMac 27 है, मैक प्रो मशीन्स हैं, एडोब मास्टर क्रिएटिव क्लाउड है, सॉफ्टवेयर है उसमें ऑफकोर्स, जो कि एडिटिंग में यूज होते हैं। अदर टेक्निकल फैसिलिटीज, तो इसमें क्या है, जो भी इनके पास मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, स्टूडियोज हैं, उनके बारे में बता रखा है। तो ये सब कुछ आता है इनकी इंजीनियरिंग डिवीजन में। तो CIT के बारे में इतना ही था, बाकी जो भी चीज़ें होती रहती हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप एमएड में हो या एमएड बिल्कुल पास आउट होने वाले हो, या मतलब अभी क्या है, थर्ड सेम में हो, तो अगर आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखनी है तो आप नीचे जा सकते हो इसके होम पेज पे, और यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है, तो NCERT में भी आप जा सकते हो, JRF मतलब अप्लाई कर सकते हो JRF के लिए, या इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भी जॉब्स निकलती हैं। ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो अगर आप एमएड जस्ट पास आउट हुए हो या होने वाले हो, तो नेशनल वेबसाइट्स पे जरूर जाना, NCERT पे जॉब निकलती हैं, इंटरव्यूज की डिटेल्स नीचे आती रहती है वैकेंसीज में जाके। CIT बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, फिर आपको PhD करनी है तो उसके लिए भी बेनिफिट हो जाता है।
अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ समझ में आया होगा इसके बारे में। बाकी आप खुद से भी इसको चेकआउट करना जाके। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।